सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पी के बी प्रियम के ब्लॉग्स में। और यार आज हम वापस जा रहे हैं कॉलेज, क्योंकि कल तो वो ब्लॉग शूट हो नहीं पाया, तो आज मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा क्योंकि सर से बात हो गई है। और अभी निष्कर्ष भी आ रहा है, हमको आगे मिलेगा डोगरा ढाबा के पास, फिर हम यहाँ से नाश्ता करेंगे और फिर सीधा कॉलेज जाएंगे। और आज हम थोड़ा LPU के अंदर घूमेंगे, क्योंकि यार LPU लोगों को लगता है बहुत छोटा है और मेन गेट से लेकर एडमिशन ब्लॉक पे ख़त्म हो जाता है, बट उसके पीछे भी बहुत सारा बहुत बड़ा LPU बना हुआ है। तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करेंगे, सब तो नहीं दिखाएंगे, हाँ पर थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे आज जितना हो पाएगा, और इस ब्लॉक को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे यार। बाकी ये देख लो, ये न्यू कॉलोनी आ गई वापस से, न्यू कॉलोनी का मेन गेट। और मुझे को बस ये समझ नहीं आता कौन सा ग्रीन वैली है, कौन सा न्यू कॉलोनी है। इवन यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी कन्फ्यूज़न है कि न्यू कॉलोनी कहाँ से शुरू होती है, कितने अपार्टमेंट न्यू कॉलोनी में आते हैं, कितने ग्रीन वैली में आते हैं। ये कन्फ्यूज़न के साथ ही हम यहाँ से पास आउट हो जाएंगे और चले जाएंगे। तो चलो यार हम भी अभी चलते हैं। तो यार फाइनली मैं कैंपस में आ गया हूँ और निष्कर्ष आ रहा है, और मेरे को फटाफट से सर के पास जाना है क्योंकि फिर मेरे को हॉस्टल वाला शूट करना है, ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे 11 बजे आना था और 12:15 हो रहे हैं। अब फटाफट चल रहे हैं। आज मौसम यहाँ थोड़ा सा चेंज है, आप लोग देख सकते हो, वैसे काफ़ी गर्मी होती है बट आज धूप नहीं है और हवा चल रही है, तो मौसम का मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज क्या होना है। मैं फटाफट से पहुँचता हूँ यार वहाँ पर एडमिशन ब्लॉक में, फिर आप लोगों से बातें करता हूँ, वहाँ से थोड़ा सा फ्री हो क्या हो, थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँगा कि शूट कि मैं हॉस्टल वाला वीडियो कैसे आने वाला है, उसका डेमो आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। तो चलो यार अभी चलते हैं। आज मैं और भी नए रास्ते से आ गया हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, ये कौन सी बिल्डिंग है। एक तो LPU की लंबी लंबी बिल्डिंग है, बड़ा कंफ्यूज कर देती हैं और डराते देती हैं क्योंकि सारी एक से बनी हुई हैं। अब आई एम टू मच कन्फ्यूज कि मैं किधर पहुँच गया, कहाँ रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, ऐसा ना हो मेरे को वापस चल के पूरा जाना पड़े। बट लेट्स सी यार कि किधर पहुँचते हैं। ओ शायद ठीक आ गया, मैं 34 ब्लॉक में ही मेरे को जाना है कंप्यूटर साइंस में, और दिस इज 34। चलो आना सक्सेसफुल हो गया मेरा, इधर आई एम गोइंग राइट। आप देख सकते 34 ब्लॉक, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, नाउ इट इज विजिबल 34 ब्लॉक। तो यार फिलहाल हम गर्ल्स हॉस्टल में हैं, GH5 आप लोग देख सकते हो, और ये रहा सामने का व्यू जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साइड हम आगे, मैं उधर शूट नहीं कर पाया, उधर से रोबोट दिख रहा था रूम से काफ़ी क्लियर, तो मैंने गर्ल्स का शूट तो नहीं किया हाँ, बट हम आ जाए थे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइक कैसा व्यू आता है। मेरे को यार पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, पता नहीं गर्ल्स को क्यों रेस्ट्रिक्शंस और ऐसा लगता है कि अंदर कुछ नहीं है, पर यार काफ़ी कुछ है गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, और मेरे को तो काफ़ी सही लगा, लाइक ग्राउंड्स वगैरह झूले वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलो यार अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मेरे को अभी बॉयज़ हॉस्टल का आगे शूट करना है, तो अभी चलते हैं। तो यार हॉस्टल वाला जो ब्लॉग था ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब जितना मेरे को अंदर का शूट करना था वो पूरा हो गया है, और अब बस बाहर बाहर का थोड़ा बचा हुआ है, लाइक मेरे को स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में जो आपको बताना है, और अब वो शायद मैं कल या परसों में करूँगा क्योंकि अभी मैं काफ़ी थक गया हूँ और मेरे को आज का भी ये ब्लॉग कंप्लीट करना है। और फिलहाल मैं लाइब्रेरी आ गया हूँ, क्योंकि निष्कर्ष और भानु जो हैं वो लाइब्रेरी में 5th फ्लोर पर बैठे हुए हैं, तो अभी लाइब्रेरी चलते हैं, उसके बाद हमको तुरंत खाने आने क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। तो चलो यार चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो यार अपन लोग इस समय हैं लाइब्रेरी की लिफ्ट में और हम लोग 5th फ्लोर पर चल रहे हैं, देखते हैं। बाकी मैं शूट कर रहा था तो सर ने रोक दिया क्योंकि परमिशन नहीं होती लाइब्रेरी के अंदर शूट करने की, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, बट अभी मेरे ऐसा लाइब्रेरी का डेडिकेटेड वीडियो बनाना नहीं है, इसलिए मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं था मैं परमिशन लेने में, तो मैंने बोले बस 5th फ्लोर पर आ गया। अब यहाँ पर कहीं पर निष्कर्ष और भानु बैठे हुए होंगे, उनको ढूंढते हैं। ये लाइब्रेरी है, आपको मैंने पिछली भी वीडियो में दिखाई हुई है, तो देखते हैं वो लोग कहाँ, वो पीछे बैठे हैं ना। आज मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी निष्कर्ष भाग गया देखो मेरा ब्रेक लग गया, उसको बहुत आगे जाके लगेगा, तो हमारे बीच में ना अभी एक मैग्नेट लगी हुई है, जैसे जैसे मैं उसके पास जाऊंगा वैसे वैसे ये मुझसे दूर जाएगा। देखो लात तो भी आप बोलो खाने आ रहे हैं 57 ब्लॉक की कैंटीन में। हाँ
तो यार ये जो निष्कर्ष है ना, ये 57 ब्लॉक जाने के लिए रेडी नहीं है, तो अपन लोग वापस से अपने वही पुरानी किसी पीटी जगह ओवन एक्सप्रेस जा रहे हैं इसके बदौलत। और यार यहाँ पे अभी बारिश हो रही है और पथ हल्की है, उल्टा फाइनली मजे मारते मारते हम वही लौट फिर के ओवन एक्सप्रेस पहुँच गए। सामने निष्कर्ष हमसे पहले पहुँच गया और अब अपन लोग, इसने अभी चिली पटेट ऑर्डर कर दिया, मेरा पेट तो भरने नहीं वाला, तो अभी हम लोग कुछ और भी ऑर्डर करेंगे साथ में। पहले चिली पटेटो खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं शायद आज थाली ट्राई करूँगा क्योंकि मेरा थाली का मन हो रहा है। और वो बेचारा अकेला आके यहाँ बैठा पड़ा है। ये देखो ऐसे अश्लील काम ना किया करो जिससे तुम्हें शक्ल छुपानी पड़े। निष्कर्ष वाच ने यू गॉट कैप्चर्ड। वाओ वाओ वाओ। तो यार चिली पटेटो तो मेरा पेट भरने नहीं वाला था, तो हमने मोमोज भी ऑर्डर कर दिए, उसके बाद शायद पिज्ज़ा भी हम ऑर्डर करें। पिज्ज़ा स्पॉन्सर्ड बाय भानु, शक्ल नहीं दिखाऊंगा मैं क्योंकि वो भाग रही है। तो ये सारी चीज़ हमने मंगवा ली, अब देखते हैं पेट भरता है नहीं भरता। तो यार चिली पटेटो और अपने मोमोज खाने के बाद मेरा पेट नहीं भरा, तो मैं ओरियो शेक और ट्राई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो अभी नया हुई है जूस बार पहले ओपन नहीं था, वो हो गया है, तो मैं अब ओरियो शेक ट्राई करने जा रहा हूँ, अब देखते हैं कैसा लगता है, उसके बाद आई होप पेट भर जाएगा। तो यार अपन लोग अभी जूस बार पे हैं और यहाँ पे हमने ओरियो शेक ऑर्डर किया है, तो आप देख सकते हो भैया ने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके दिया है, थैंक यू भैया। तो अब इसको फटाफट से टेस्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसा लगता है। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन लग रहा है, मैंने और जगह भी एलक्यू के अंदर काफ़ी जगह ट्राई किया है ओरियो शेक, पर इतने अच्छे से डेकोरेट करके और इतने इनफ क्वान्टिटी में आज तक किसी ने नहीं दिया। तो इट्स माई फीडबैक कि आप यहाँ पर आओ तो ज़रूर जूस बार पर यहाँ पर ट्राई करना, वही फूड कोर्ट पर, ठीक है। तो यार मैंने जस्ट अभी इसको टेस्ट किया, इट्स जस्ट ऑसम। तो मेरे को लगता है बेस्ट ओरियो शेक होगा यार कैंपस के अंदर जूस बार पे, यहीं फूड कोर्ट में। तो यहाँ पे आके आप एक बार जरूर ट्राई करना है, मेरे को काफ़ी पर्सनली पसंद आया। हम लोगों का टाइम नहीं कट रहा था और हमने प्लान किया है यार यहाँ से जो है ना 5 बजे अपन लोग निकलेंगे और अभी 20-25 मिनट हैं, तो हम लोग यूनी पॉलिश ऑडिटोरियम आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइम कटेंगे, गाने वाने चला लेंगे लैपटॉप ऑन करके, और अगर आप लोग व्लॉग देख रहे हो तो सामने आपको रिपोर्ट करना है ऑफलाइन के लिए। अगर आपको नहीं पता तो यूनी पॉलिश में आगे, ये वही जगह है जहाँ पे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे मोदी जी वगैरह सब लोग आए थे। बी लॉग, तो चलो यार चलते हैं यहाँ पे थोड़ा इन्जॉय करते हैं। तो यार अब शाम के 5 बज गए हैं और मौसम आप लोग देख लो, धूप प्लस बारिश हल्की हल्की सी हो रही है। और अब मैं फटाफट से वापस रूम पे जा रहा हूँ, निष्कर्ष अपनी एक फैकल्टी से मिलने गया हुआ है, वरिंदा मैम है उनसे मिलने गया हुआ है, और हम लोग फटाफट वापस अपने अपने रूम पे जा रहे हैं। और मैं यार रास्ते में चाय पीते हुए जाऊँगा क्योंकि मेरे को चाय की थोड़ी सी तलब लग रही है। अब चलते हैं फटाफट रूम पे पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं। तो यार अब मेरे को ना निष्कर्ष का वेट करना पड़ेगा, मैं डोगरा ढाबा आ गया और इधर से उत्कर्ष रूम लॉक करके चला गया था, तो मैंने अब उत्कर्ष को बुलाया, वो उधर से जूस पीते पीते आ रहा है आराम से टहलता टहलता, क्योंकि चीज़ जो है हमारे पास वो एक ही है बट हम अलग अलग हैं। तो इसको बुलाया मैंने क्योंकि मेरे को चाबी की ज़रूरत थी, ये लॉकेट ही भटक रहा था जूस पी रहा था। अब उत्कर्ष के आने के बाद चलते हैं, शायद चाय समोसा लेते हैं और फिर रूम पर चलते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने समोसे का निपटा लिया, हमें शूट करना भूल गया था तो हमने चाय और समोसे का नाश्ता किया है। अब बस इस वीट ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, एक एंडिंग देंगे, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर आप लोगों से बात करते हैं, अब फिर आज का ब्लॉग आ जाएगा आपके लिए रात को 9 बजे। तो यार अभी ना रात के 8 बज रहे हैं और मैं नहीं चाहता मेरा एक भी जो ब्लॉग है ना वो रात को 9 बजे से लेट आए, जैसे एक दिन हुआ था अभी कल परसों में। और यार आज ना मैंने हॉस्टल वाली भी काफ़ी सारे शॉर्ट्स लिए, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है एडिटिंग करने में, तो और टाइम भी लगने वाला है, तो मैं इस ब्लॉग को यार यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।